subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आज हम यहाँ पर टाइम स्क्वायर पर एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें सभी तरह के सभी समुदाय से सभी कंट्रीज के लोग एकत्रित हुए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए। ये प्रोटेस्ट चाइना की बढ़ती हुई गतिविधि और एशिया में जिस तरह का उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ है, उसके लिए उनका प्रोटेस्ट है। सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित, हजारों की तादाद में टाइम स्क्वायर पर लोग एकत्रित हुए और उन्होंने अपना ये प्रोटेस्ट जाहिर किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना हमेशा से, ये कितने सालों से ये ऐसी हरकतें करता रहा है, और चाहे वो जितने भी उसके नेबर्स हैं उनके साथ उनके रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि हमें बस एक भूमि माफिया की तरह वो कार्य करता रहा है। और कहीं ना कहीं हर दूसरे नेबर के टेरिटरी में अंदर घुसकर वो उस पर अपना कब्जा करके अपना मैप अपडेट करता रहा है। लेकिन कहीं आज इस समय कोविड-19 के समय हमें देखना होगा, इस महामारी से जब दुनिया गुजर रही है, तब उस समय चाइना एक ऐसे हरकत कर रहा है कि वो सभी नेबर्स के साथ में वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है और वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आप सभी को ये इस समय का देखना होगा कि चाइना ने किस समय शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा इसको कोविड-19 जैसे क्राइसिस, जिसका ओरिजिन हम सब जानते हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि उसको वो चरित्रार्थ हो चुका है और सभी को पता चल चुका है कि कोविड-19 की ओरिजिन कहाँ है। पूरी दुनिया में जब उसको इतना प्रोटेस्ट झेलना पड़ रहा है, तो वो एक माइंड गेम, और दुनिया का जो अट्रैक्शन है, जो उनका दिमाग जो है, वो इस वॉर वाली सिचुएशन एशिया की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहता है। ये एक सिर्फ माइंड गेम है, परंतु हम ये सब जानते हैं कि दुनिया को इस तरीके से वो भटका नहीं सकता, क्योंकि सभी जानते हैं और कितने लोगों ने अपने प्रियजने, अपने परिवार के सदस्य इस कोविड-19 जैसे महामारी के में खोए हैं। हमें देखना होगा और चाइना के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, उनको किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म से उसका प्रोटेस्ट किया जाए, चाहे वो कॉमर्शियली हो, सोशली हो, पॉलिटिकली हो, उनको दरकिनार कर दिया जाए। When the world is battling against coronavirus since last 6 months, the naked aggression of China against its neighbors and India is totally unacceptable. Look, China wants to dominate the world. China wants to destroy USA. China wants to destroy India. But this time, their aggression, they have to pay a very, very heavy price. Now look what has China done. Within their own country, they are suppressing Hong Kong. They have actually done ethnic cleaning of Tibetans. And now look at what they have done to Muslim. The human right, the worst human rights ever happened in the China. More than 1.5 million youth have been forcibly sterilized. That has never happened in the world. We really regret it. So we have to do 3 things. Isolate China diplomatically, isolate China financially.